चलिए हम लोग स्टार्ट किए हुए थे बेटा चैप्टर हम लोग पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा। ठीक है, इसमें हम लोगों ने जो है इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक जो है वो हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, अब आगे जो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे, टॉपिक नोट करिएगा, विद्युत प्रतिरोध तथा विद्युत चालकता। विद्युत प्रतिरोध तथा विद्युत चालकता, आवाज आ रही है ना सबको? हाँ सर। ठीक, resistance इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। टॉपिक इसमें पहला डालिएगा, इसमें सब टॉपिक डालिएगा, पहला विद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। जल्दी जल्दी बेटा करिए, कोर्स जल्दी खत्म करना है हम लोग को, अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। लिखिएगा इसमें, जब किसी चालक के सिरों के बीच, सिरों मतलब व्हील्स, सिरों के बीच विभवांतर विभवांतर स्थापित किया जाता है, स्थापित किया जाता है तो चालक में वैद्युत धारा बहने लगती है, तो चालक में वैद्युत धारा बहने लगती है। विभवांतर तथा धारा के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध को कैपिटल
आर से रिप्रेजेंट करते हैं लिख लीजिएगा। अतः यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी हो तथा चालक में धारा स्मॉल आई हो तो चालक का R is equal to V upon I. नोट कर लिए आप लोग, ये सबका नोट हो गया है। हाँ चलिए इसमें थोड़ा सा और लिख लीजिएगा। लिखिएगा विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक एमकेएस मात्रक ओम एमकेएस पद्धति में मात्रक यानी कि एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है देखिएगा, विद्युत प्रतिरोध
का मात्रक क्या होता है? ओम, ओम सिंबल ये होता है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब आगे लिखिएगा वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, वैद्युत चालकता इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, देखेंगे वैद्युत प्रतिरोध के रूप में, वैद्युत चालकता कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं, तथा तथा इसका मात्रक तथा इसका मात्रक क्या होता है? महो होता है, महो या इसको मो भी बोलते हैं, महो ठीक, या ओम इमर्स कहलाता है, ओम इमर्स कहलाता है, नोट कर लीजिएगा बेटा ये ठीक। प्रतिरोध की बीमा यहीं पे लिख लीजिएगा, विद्युत प्रतिरोध की बीमा क्या होगी? N L two P three A minus two M L two P three A minus one A minus two A minus two लिख लीजिएगा विद्युत प्रतिरोध की बीमा M L two P three A minus two, सिर्फ ए पे माइनस होगा, क्या कह रहा है देखिए, प्रतिरोध किसको कहते हैं, प्रतिरोध मतलब बेटा होता है रुकावट, ठीक। अब जब क्या होगा कि एक ऐसा चालक जिसमें क्या हो रहा है, हम ये निकाले कि जब कोई धारा जो है वो प्रवाहित हो रही हो तो उस समय उसमें रुकावट कितनी आ रही है, तो वो विद्युत प्रतिरोध कहलाएगा, ठीक। कैसे निकालते हैं रुकावट को, हम लोग इस विद्युत प्रतिरोध को हम लोग क्या है कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, और जितनी धारा बह रही है वो आई से, ठीक, और जितना उसमें क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर होगा वह होगा वी से। तो कहेंगे कि ये क्या होता है, अनुपात होता है किसका किसका, तो कहेंगे कि उस सर्किट में या चालक के अंदर विभवांतर कितना है इस बात पर डिपेंड करता है और उसमें धारा क्या बन रही है इस पर डिपेंड करता है, यानी विभवांतर और धारा के अनुपात को हम लोग क्या करते हैं विद्युत प्रतिरोध करते हैं। इसी का जस्ट उल्टा यानी 1/r जो होगा वो क्या कहलाएगा विद्युत चालकता यानी कंडक्टेंस कहलाएगा, ठीक है। कंडक्टेंस मतलब कितना चलने देना है, जैसे मान लीजिए कि जितना रोक रहा था ठीक उसको माइनस कर देंगे तो उतना चलने देना, यानी जस्ट उसका अपोजिट उल्टा, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है ओम इसकी यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम होती है। अब यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कैसे बन सकती है, जैसे डेफिनेशन दे दिया और लास्ट में पूछ लिया बताइए किसका डेफिनेशन है, आप क्या करेंगे, आप कहेंगे ये जो है ये विद्युत प्रतिरोध का डेफिनेशन है। इसी तरह से आपसे पूछ लिया बताइए विद्युत प्रतिरोध का फार्मूला सूत्र क्या है, वी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू वी बाई आई, ठीक। इसी तरह से वी इज इक्वल टू आई आर अगर दिया तो वो भी सही है, और I is equal to अगर V by R दिया तो वो भी सही है, ठीक। इसी तरह से अगर विद्युत
प्रतिरोध का मात्रक पूछ लिया तो आप ओम बता देंगे, उसका मात्रक का अगर सिंबल पूछ लिया तो वो देखिएगा सिंबल लास्ट में ये देखिए ये जहाँ मेरा हाथ है ये, ठीक है लास्ट में ये देखिए ठीक, ये हो गया ओम का सिंबल। इसी तरह से बीमा पूछ लेगा तो नीचे लिखा हुआ है Ml2T3 और A-2, ठीक है। इस तरह से इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूछ ले इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का मात्रक क्या होगा तो वहां पे ओम नहीं लिखेंगे चालकता का, वहां पे महो लिखेंगे, ठीक है। वहां क्या लिखेंगे बेटा, विद्युत चालकता का मात्रक क्या होगा बताइए, इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। विद्युत चालकता का मात्रक बताइए, जल्दी बताइए, महो, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं ये सब। इस तरह से इसमें तीन चार ऑब्जेक्टिव आपको सीधे सीधे बेटा दिख रहे हैं, ठीक। तब आगे टॉपिक लिखिएगा, टॉपिक लिखिएगा विद्युत के प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध। इसका फोटो ले लिया है, आपको ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। चलिए आगे नोट करिएगा, नियम एवं विशिष्ट प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, लॉ ऑफ resistance and specific resistance, law of resistance and specific resistance। note करिएगा बेटा जल्दी से, पदार्थ का लिखिएगा, लिखिएगा सभी लोग, पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जो उसमें धारा के प्रवाह का विरोध करता है, यानी करंट को फ्लो होने से रोकता है। जैसे मान लीजिए अगर ये एक वायर है, इलेक्ट्रिक वायर है, ठीक, और इसमें क्या हो रहा है, इस तरह से करंट जो है वो फ्लो कर रही है, तो इसको जितना रोकेगा वही प्रतिरोध कहलाएगा। जो भी इसको बहने से रोकेगा, यानी इधर से इधर धारा को जाने से रोक रहा है, वही प्रतिरोध है, ठीक। जो बहने दे रहा है वह चालकता है, विद्युत चालकता, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, तो लिखिएगा धारा के प्रवाह का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है। किसी पदार्थ का प्रतिरोध, किसी पदार्थ का प्रतिरोध कुछ नियमों पर निर्भर करता है, कुछ नियमों पर निर्भर करता है, जिन्हें प्रतिरोध का नियम कहते हैं, जिन्हें प्रतिरोध का नियम कहते हैं।
जिन्हें प्रतिरोध का नियम कहते हैं। जिन्हें प्रतिरोध का नियम कहते हैं। आगे लिखिएगा नीचे वाली लाइन से, ये नियम निम्न है, और उसमें पहला लिखिएगा नियम। अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। दूसरा नियम लिखो, सेकंड चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध R उसके प्रतिच्छेद क्षेत्रफल, उसके प्रतिच्छेद क्षेत्रफल A के होता है, ठीक है, अर्थात R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया A, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया A। थर्ड है चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध क्या होगा, चालक के पदार्थ, चालक के पदार्थ यानी मटेरियल ऑफ निर्भर करता है, ठीक। इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर वन, इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर टू। देखिए बेटा, तीन चीजों पे, जैसे अगर एक तार है और इसमें कितना प्रतिरोध रहेगा, यह तीन चीजों पर डिपेंड करता है। पहला कि ये किस मटेरियल का तार है, जैसे जिंक का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, एल्यूमिनियम का बना हुआ है, इस पर डिपेंडेंसी होगी, यानी ये कौन सा मटेरियल है। दूसरा, इसकी लंबाई कितनी है, ठीक, जितना ज्यादा लंबा तार होगा प्रतिरोध भी उतना ही ज्यादा होगा, यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। क्लियर है, क्लियर है बेटा, जितना लंबा तार होगा प्रतिरोध भी उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है ये पॉइंट, बताइए जल्दी तो आगे बढ़ा जाए, ठीक। दूसरा देखिए, पहला कह रहा है तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी, जैसे मान लीजिए एक तार ये है और एक तार ये है, ठीक, दोनों कॉपर वायर है, दोनों के मटेरियल सेम होगा, लेकिन फिर भी इन दोनों में रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, ठीक। कैसे, इसकी लंबाई आपको इतनी दिख रही है और इसकी लंबाई क्या दिख रही है, ज्यादा दिख रही है, दिख रही है ना ज्यादा, तो दोनों में जो लंबा वाला वायर है उसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा, ठीक। अगर अब आ जाए क्रॉस सेक्शनल एरिया को, देखिए
क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे लिखा है क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। यानी ये देखिए ये तार है और ये तार की मोटाई गोलाई जो होगा, ठीक है ना, इन दोनों में से ये वाला तार ज्यादा मोटा है, इसमें क्या होगा प्रतिरोध कम होगा, जिस मोटे तार में प्रतिरोध कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, ऐसे समझिए। आपके घर में बेटा फ्रिज भी होगा और एक बल्ब भी जलता होगा, ठीक, बल्ब में प्रतिरोध आप देखिएगा, बल्ब का तार पतला होता है जबकि फ्रिज का तार क्या होता है बेटा मोटा होगा, ठीक। इसी तरह से आपके घर में प्रेस होगा, है ना, प्रेस का तार देखिए मोटा होता है, पतला नहीं होता उसका तार, ठीक। तो जिस क्या होगा रेजिस्टेंस को कम करने का काम करता है, यानी तार जब मोटा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो तीन चीजों पे डिपेंडेंसी, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, सेकंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड थर्ड वन इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। फिर जब सेकंड पे आते हैं हम लोग लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो कहेंगे इट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या कहेंगे लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लंबा तार होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, कम होगा छोटा तार होगा तो प्रतिरोध कम होगा। और कहेंगे इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों को अगर हम इक्वेशन मान लें वन और टू, तो फिर कॉम्बिनेशन करने के बाद हमको क्या मिलता है ये देखते हैं। लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं, बोलो आगे तो पढ़े। हाँ सर। अब क्या करेंगे बेटा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया जाएगा, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल का साइन लगाएंगे तो वहां पर एक कांस्टेंट आएगा, r is equal to f on a, ऐसे भी सर, और यहां पे कांस्टेंट आया रो, कांस्टेंट आया रो, ये क्या है इसको बोलते हैं रो, यानी भी है पढ़ते हैं क्या रो, ये रो क्या है लिखेंगे, जहां रो क्या है, जहां रो जहां लिखिएगा जहां रो एक स्थिरांक है, जहां रो एक स्थिरांक है, इसे पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, इसे पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, अथवा प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी कहते हैं। रो क्या है, रो क्या है स्थिरांक, और इसी को कहा जाता है यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी को कहते हैं प्रतिरोधकता कहें या कहें रेजिस्टिविटी। क्लियर है, अब जरा से सोचिएगा, अगर एक मीटर लंबा तार हो और वन स्क्वायर मीटर अगर इसका क्या हो वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, अगर लंबाई क्या हो वन मीटर हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे लंबाई वन मीटर हो क्रॉस सेक्शनल एरिया वन स्क्वायर मीटर हो, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो रेजिस्टिविटी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वन अपॉन वन होगा
तो आ जाएगा रेजिस्टिविटी आर इज इक्वल टू रो की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो कहेंगे कि किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के एक वर्ग मीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के एक मीटर लंबे तार के प्रतिरोध के बराबर होता है, यानी आर इज इक्वल टू रो होता है। अब इसका लिखिएगा, लिखिएगा आगे नोट करके, एक लाइन लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा, चालक का प्रतिरोध उसके ताप पर भी निर्भर करता है, विशिष्ट प्रतिरोध रो का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध रो का मात्रक R इज इक्वल टू, लिखिएगा यही सेम फॉर्मूला, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, देन रो इज इक्वल टू, देन रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ठीक, और इसका मात्रक क्या रहेगा, देखिए R का मात्रक हो जाएगा ओम, ए क्या है एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ है मीटर। ठीक, तो मीटर स्क्वायर मीटर कैंसिल होगा एक मीटर उसमें से, तो हो जाएगा ओम मीटर। ठीक, तो कहेंगे रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता, या कहें क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक रो का इसका मात्रक होगा ओम मीटर, ओम मीटर, नोट कर लीजिएगा, हो गया। इसका एसआई, इसका वो लिख लीजिएगा जरा सा, बीमा लिख लीजिए, बीमा डायमेंशनल फार्मूला जल्दी से लिखिएगा बेटा, एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस टू, एम एल थ्री सुनाई दे रहा है ना, यस सर, एम एल थ्री ए माइनस थ्री, एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस टू, प्रतिरोध का जहां पे आपको लिखा होगा, बीमा जहां पे लिखे होंगे प्रतिरोध की, वहां पे टी माइनस थ्री कर लीजिएगा। अब लिखिएगा विशिष्ट चालकता, टॉपिक डालिएगा जल्दी से, विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक कंडक्टेंस, लिखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध के व्युतक्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युतक्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, तथा इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा जानते हैं ना, आधा न, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, आधा न बराबर वन अपॉन रो, वन अपॉन रो, पहले समझ लें ना, वन अपॉन रो, सिग्मा इज इक्वल टू वन अपॉन रो। ठीक, और इसकी, इसका जो मात्रक होगा वो लिख लीजिएगा ओम मीटर इनवर्स, ओम मीटर लिख के ब्रैकेट करके इनवर्स, ओम मीटर इनवर्स, और जल्दी से इसका लिख लीजिएगा विशिष्ट चालकता की बीमा, एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी पे पावर थ्री ए पे पावर टू। ठीक, और जल्दी से एक टॉपिक डालिएगा, विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध, ये हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। एक चीज और आपको बता दे रहे हैं, जितने भी लोग अटैच हैं जान लीजिए, आज से मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ सेमीकंडक्टर का, ठीक है, जो आपका चैप्टर है, क्योंकि बहुत टाइम बचा नहीं है, तो हम लोग बनाएंगे अर्धचालक भौतिकी सेमीकंडक्टर फिजिक्स का, आज से टॉपिक बनाने जा रहे हैं, उसका लिंक आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है, आपका काम बस इतना है कि रोज सेमीकंडक्टर वाला जो
वीडियो बना रहेगा, उस वीडियो को आपको देख लेना ताकि आपके दो चैप्टर पैरेलली चलते रहे। इधर हम आपको पढ़ाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और उधर आपको पढ़ाएंगे हम वीडियो वाला जो अपलोड करेंगे उसमें हम करेंगे सेमीकंडक्टर फिजिक्स, एंड साथ में उसके बाद जब सेमीकंडक्टर फिजिक्स खत्म होगा तब हम लोग करेंगे मॉडर्न फिजिक्स। ठीक, इस तरह से कोर्स को कंप्लीट करेंगे। समझ गए? हाँ सर।